नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए धोती लेके आए हैं। ये मैंने भगवान के लिए धोती बना रखी है, आप चाहें तो बच्चे के लिए बना लीजिए। ये बहुत आसान है, 3 प्लेट्स में बन जाती है और स्ट्रेट मतलब पूरा कपड़ा खुला होता है, आसानी से वॉलक्रो की मदद से पहनाई जा सकती है। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। इसके लिए हमने यहाँ पे भगवान की लेंथ के हिसाब से कमर से पैरों तक की लंबाई ले से 2 इंच ज़्यादा ले रखा है और चौड़ाई हमने यहाँ हमने धोती की लंबाई 23 ले रखी है, जो भगवान की कमर से ज़्यादा है। आप चाहें तो जस्ट डबल ले सकते हैं और इसमें दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे और इधर भी सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि मैं बता रही हूँ, बहुत आसान है, ये सच में बहुत आसान है। मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब भगवान के कमर की नाप ले के हिसाब से मार्क करेंगे। ये भगवान की कमर मेरी 16 इंच की है, 16 इंच, और ये हमने प्लेट्स के लिए इतना एक्स्ट्रा ले रखा था। आप अगर ज़्यादा प्लेट्स चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे हम प्लेट्स डालते हैं और ध्यान है, प्लेट्स हम बाहर की तरफ रखेंगे और उसका फ्रंट भी बाहर फर्स्ट हमेशा किनारे रहेगा, जिससे हम लेस लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी। अब हमने इसको फोल्ड कर दिया है, ये बाहर की तरफ फोल्ड कर दिया है। प्लेट्स को बराबर करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने फ्रंट इसको बाहर कर रखा है जिस पर सिलाई लगाई थी, अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। हमने प्लेट्स पर सिलाई लगा ली है और हम इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे और नीचे से गोटा लगाएंगे। अब भगवान की लेंथ के हिसाब से जितना आपको फोल्ड करना उतना फोल्ड कर दीजिए और इसमें सिर्फ 1-2 तरफ गोटा लगेगा, प्लेट्स पे और नीचे तक आखिरी के कोने तक। चलिए, और हम पहले गोटा लगा लेंगे, फिर इसे हम ऊपर से भगवान की लंबाई के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। अगर आप पहले गोटा लगा लेंगे तो फिर लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। अब हमने लेस लगा ली है और ऊपर से देखिए फोल्ड भी कर लिया है और नीचे अच्छे से लेस लग गई है। अब हम जहाँ आखिरी धोती की है वहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। आप अपने भगवान या काना या बच्चे के हिसाब से प्लेट्स डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 3 प्लेट्स डाल रखे हैं, ये नीचे की तरफ रहेगा और ऊपर वाला कपड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम वॉलक्रो लगाते हैं, सॉफ्ट वाले वॉलक्रो अलग रख लेंगे और हार्ड वाले अलग रख लेंगे। हम जहाँ जहाँ मैंने प्लेट्स लगा रखी वहाँ वहाँ हम सॉफ्ट वाले वॉलक्रो लगाएंगे, जिससे आपको याद रहेगा। यहाँ पे प्लेट्स पे सॉफ्ट वॉलक्रो और यहाँ पे प्लेट्स पे सॉफ्ट वाला वॉलक्रो, और बचे हुए 2 वॉलक्रो हम बीच में लगाएंगे। एक हम भगवान का कमर का मेजरमेंट नाप कर लेकर के बैक साइड में वॉलक्रो लगाएंगे और इन दोनों के बीच में ये सॉफ्ट वाले इसके बीच में हम 1 लगाएंगे, जिससे हम बैक वाले को चिपका सकते हैं। ये हमने बीच में यहाँ पे लगाना है। हमने लगा लिए सारे वॉलक्रो 4 पीस, ये इन दोनों के बीच में है और ये हमने भगवान की कमर के नाप के हिसाब से लगाया है। इसे पहनना बहुत आसान है, यहाँ पे हम इसे चिपका देते हैं और जो सबसे लास्ट में प्लेट में है इसे बैक साइड में चिपका देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा, देखिए बैक से और फ्रंट से, कि जैसे धोती पहन रखी है। आप इसे भगवान के में पैरों में ऐसे फंसा देंगे तो ये पीछे तक निकल के आएगा, जो और सुंदर लगता है, जैसे वृंदावन में भगवान पहने होते। ये हमारी धोती बन के तैयार हो गई है और ऐसी ही हमने एक और धोती बना रखी है जो बड़ी है थोड़ी सी। ये भी सेम वैसी ही है, पूरी खुलने वाली। ये देखिए, यहां से भी पूरी खुल जाती है। ये धोती बनाना और पहनाना दोनों बहुत आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में और लाइक और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे, कुकिंग के और स्टिचिंग के और क्राफ्ट के भी आपको वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मिलते रहेंगे।